उत्तर प्रदेश में और इटावा में ठीक से रही। देखा था उस दिन कैसे बोल रही थी। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस दिन मैं कह नहीं पाई, मैं भूल गई। इतने बड़े नेता है, वैसे तो हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है, वो बहुत छोटे उम्र में है हमसे और हम उनके बराबर के हैं भी नहीं, उनसे बहुत बड़े नेता है, बड़े जिला। लेकिन एक बार अगर हैसियत हो तो 2022 में हमारे सामने इटावा में चुनाव लड़े, अगर वो जीत जाते और हम जीत जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ दे, बड़े नेता बनते हैं, हम देखेंगे देखेंगे कितने बड़े नेता लड़के दिखा दे, हैसियत हो तो इटावा में लड़े हमारे सामने। भाई राजनीति में यही तो होता है, और कोई लाठी थोड़ी चलती है। आप बहुत बड़े नेता बन रहे हो, आपने 100 लफंगे इकट्ठे कर लिए, अभी हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इजाजत दे दे। अच्छा, भाजपा वाले डरते क्यों है, उन्हें पता है कि हमारी विधायक जी कल को हमारे पीछे खड़ी हो जाएंगी कि तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, तुमने उसे मार। उपद्रव नहीं चाहते हम, उनसे ज्यादा उपद्रव करने की स्थिति में सक्षम है। अभी हम और जिला अध्यक्ष जी जिलाधिकारी के पास बैठे थे, मैडम कहीं से कमजोर नहीं, घर में घुस के छीन लाएंगे। आज वो कह दे हम आज घुस जाए भाजपा वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के घर में, कमजोर है हम लोग। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की थी कानून को खराब करने में, योगी जी वो व्यवस्था नहीं कर रही। हम कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते, इसे हमारी कायरता ना कोई समझे, ना कोई हमारी कमजोरी समझे, हमारी शालीनता।